Galitos presents Osamo Speaks. Hello friends and fans, this is Osamo speaking. आज बात करेंगे एक ऐसे वायरल फीवर की जिसने बच्चे है, बूढ़े है, बड़े बच्चे कुछ है, सबको बहुत बुरी तरीके से घेर ली है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ 10 ईयर चैलेंज की। इस बीमारी में पेशेंट एक तरफ अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर लगाता है जिसमें वो अक्सर अपने आईडी कार्ड की तस्वीर से भी ज्यादा गंदा लगता है, और दूसरी तरफ नहा धो के एक रिसेंट तस्वीर। तो बताइए ये वीडियो देखने से पहले कौन कौन ये सब करके आया? आज करके आया ओ भाई, तू रहने दे, तू वैसे ही बहुत कुछ करके आया। हम उनकी बात कर रहे हैं जो पहले भी हैंडसम थे और 10 साल बाद भी हैंडसम ही है। देखो जानी, बात दरअसल सीधी है। The change is inevitable. मैं अगर अपने पास्ट की बात करूं तो ऐसा लगता था कि मैं किसी कोयले के कारखाने में 300 रुपए दिहाड़ी पे मजदूर लगा हुआ हूं, जैसे कोई बुरी बीमारी मुझे खा गई हो। समो भाई, उसको बुरी बीमारी नहीं, उसको बुरी आदत कहते हैं। ये राजे को तुम लोगों ने मुझे रोस्ट करने के लिए रखा है। बेटा मुझसे पंगा ना लियो, तुम्हारे लिए तो मेरा ये हाथ है, मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। क्यों समो भाई, ब्रेकअप के बाद बच्चियों को इनबॉक्स में इतने दिलासे देते रहते हो, अपना कोई सीन नहीं बना? क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये पर्सनल अटैक कर रहे हो तुम है? What do you want from me? What do you want from me? कुछ नहीं, ये देखो मैंने भी 10 ईयर चैलेंज बनाया है। ओ भाई तू 10 साल छोड़, सबसे पहले तू किसी गैर जिम्मेदार आदमी के घुटनों में था, फिर मसाने से निकला तो कुछ अरसा एक मसला चला, जब 99 कंजर जाके मर गए फिर तेरा जन्म हुआ। खोतों की तरह तुमने मेहनत की, यू स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड नाउ इट्स 2019 एंड यू आर स्टिल देयर। भाई ऑनेस्टली, तू 10 साल पहले कैसा था और 10 साल बाद कैसा है? एक तो हमारी आवाम जब कोई ट्रेंड खड़ा होता देखती है तो जाके उसको पकड़ लेती है। हर इंसान यही दिखाने में मशगूल है कि पहले वो मुन्ना भाई का आनंद भाई हुआ करता था और अब वो अखंड आनंद त्रिपाठी हो गया है। वाह भाई चोर। ऑब्वियसली वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं, लोग बड़े हो जाते हैं। कल को सर पे सेब रख के फोड़ने का ट्रेंड भी आएगा तो हमारी आवाम खून खून हो जाएगी, लेकिन फॉलो जरूर करेगी। पैर सही रख के दी है, क्या करें, चूल्हे कुछ ऐसी है मेरी जान, और ये वाली हीरो पंक्ति सबको आती है। अपनी धरती माँ की 10 साल में कितनी माँ भैंड कर दी, हमें उस पे भी गौर कर देना चाहिए। हम लोग इतने कोई पलीत लोग हैं कि जहन तो पलूटेड है लेकिन जमीन भी पलूट कर दी है। फ्रेंड्स एंड फैंस, ये कोई हेट स्पीच नहीं है, ना ही मुझे किसी ट्रेंड से मसला है, अनलेस वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही या आपको चूतिया नहीं बना रही। मुझे 10 ईयर चैलेंज से कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ चेंज होना काफी नहीं होता, बेहतर होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। है कि नहीं? बड़ी अच्छी मेरे दिल की बात की आपने। सर जी मैं बस हमेशा बात ही ऐसी करता हूँ जो दिल को छू ले। सो कीप अप विद 10 ईयर चैलेंज, बट मेक श्योर कि आफ्टर नेक्स्ट 10 ईयर्स हमारी दुनिया भी इतनी प्यारी दिखे जितने तुम। हमारी शटे ले लो। अगर नहीं हो तो हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।